क्योंकि जीना इसी का नाम है। अम्मा जी कहती है। अच्छा, अम्मा जी दिखाई नहीं दे रही? वो अम्मा जी थोड़ा बाजार गई हैं, बस आती होंगी। कुछ काम था क्या भाभी? काम क्या राधा, मुझे कन्हैया की बहुत फिक्र होने लगी है। कुछ दिनों से बहुत चिड़चिड़ा हो गया है। मायके में तो माँ, पापू, भैया, भाभी सब उसे उठा उठा कर घूमते थे, फिर रोता रहता था। माँ भी कह रही थी, लल्ला 7 महीने का होने को आया है, पर ठीक से बढ़ ही नहीं रहा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा राधा, क्या करूं? अच्छा भाभी, तुम कन्हैया को लेकर आंगनबाड़ी गई हो शबनम बहन जी के पास? नहीं, अभी नहीं। सोचा पहले अम्मा जी से मिल लेती हूँ, फिर आंगनवाड़ी भी जाऊंगी। अम्मा जी कब तक आएंगी? कहकर तो गई थी जल्दी आ जाऊंगी। अच्छा भाभी, तुम कन्हैया को खाने में क्या क्या देती हो? खाने में क्या दूंगी, बस मेरा दूध ही पीता है। पर भाभी, कन्हैया तो 7 महीने का हो गया है ना, उसे तुम्हारे दूध के साथ साथ ऊपरी आहार भी देना चाहिए। ऊपरी आहार? अच्छा, मेरी सास भी कहती रहती है कि घर में जो कुछ बने वो सब कन्हैया को दे, रोटी, सब्जी, घी, सब। नहीं भाभी, ये सब नहीं। हाँ इंदु, ये सब नहीं। अरे आशा बहन जी, आप कब आई? बस तुम दोनों जब बच्चे के खाने की बात कर रहे थे तभी। अच्छा हुआ आशा बहन जी, तुम भी मुझे यही मिल गई। मैं अभी राधा से यही बात कर रही थी, कुछ दिनों से मेरा कन्हैया बहुत चिड़चिड़ा हो गया है। देखो इंदु, सही खुराक बच्चे के शरीर की बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करती है। 6 महीने के बाद बच्चे के लिए सिर्फ माँ का दूध ही काफी नहीं होता, इसीलिए उसके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए सही खुराक बहुत जरूरी है। 2 साल तक बच्चा तेजी से बढ़ रहा होता है और इस समय उसे पूरा खाना ना मिले तो वो कमजोर और चिड़चिड़ा हो जाता है। अच्छा। हाँ इंदु, बच्चे को पहले 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध ही देना चाहिए, ये तो तुम जानती हो ना। पर 6 से 8 महीने के बच्चे को माँ के दूध के साथ 3 बार खाना और 2 बार हल्का फुल्का आहार भी देना चाहिए। अच्छा, और 8 महीने के बाद बहन जी, तब भी इतनी ही बार खिलाना है? नहीं नहीं इंदु, 9वें महीने से हमें उसकी खुराक बढ़ानी है और फिर 1 साल की उम्र में भी, यानी बढ़ती उम्र के साथ हमें खुराक बढ़ानी है। पर बहन जी, मैंने देखा है कुछ बच्चे एक बार में ज्यादा खा लेते हैं और कुछ कम खाते हैं, तो एक बार में कितना खिलाना है ये कैसे पता चले? तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा राधा। जरा वो कटोरी देना। देखो कन्हैया अभी 6 से 8 महीने के उम्र के बीच में है, तो उसे एक बार में कम से कम 1 छोटी कटोरी खाना देना चाहिए, समझी? ये सारी बातें, किस उम्र में कितनी बार और कितना खाना खिलाना है, ये सारी जानकारी आंगनवाड़ी बहन जी के पास होती है। बस समय समय पर उनसे बात कर लो। हाँ बहन जी, अब मुझे सब समझ में आ गया। अब तो मैं अपने कन्हैया का पूरा ध्यान रखूंगी। अरे अब ध्यान तो राजपुरा की हर माँ को अपने बच्चे का रखना ही होगा। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, बैठो बैठो। मैंने अभी अभी सुना कि गांव में सबसे स्वस्थ बच्चे की प्रतियोगिता फिर से हो रही है। हाँ अम्मा जी, मैं आपको यही बताने आई थी ताकि आप भी लोगों को बता सको। जो बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से सबसे स्वस्थ होगा उसे और उसके परिवार को पंचायत की तरफ से इनाम मिलेगा। और इस बार इनाम मेरे कन्हैया को ही मिलेगा, देख लेना अम्मा जी। हाँ हाँ, ईश्वर करे ऐसा ही हो। बस अब तू कन्हैया के खाने में कोई कसर मत छोड़ देना। ना अम्मा जी, अब कोई कसर नहीं रहने दूंगी। अभी जाकर अपने कन्हैया के लिए कुछ अच्छा सा बनाती हूँ। अब मैं चलती हूँ। नमस्ते। जीती रहे। कमला बेटी, मैं जरा हाथ मुंह धोकर आती हूँ, तब तक तू जरा इनसे 2 बातें पूछ ले। जी। नमस्ते। बढ़ते हुए बच्चे को खिलाने में क्या बदलाव करने जरूरी होते हैं? 1, पहले 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाना चाहिए। 2, 6 से 8 महीने के बच्चे को माँ के दूध के साथ 3 बार खाना और 2 बार हल्का फुल्का आहार देना चाहिए। 3, 9 महीने
और एक साल की उम्र पर बच्चे की खुराक कैसी बढ़ानी है ये आंगनवाड़ी बहन जी से जान लें। सही जवाब है, बढ़ते हुए बच्चों की शारीरिक और मानसिक विकास के लिए सही खुराक बहुत जरूरी है। इसलिए पहले 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाना चाहिए और 6 से 8 महीने के बच्चे को माँ के दूध के साथ साथ 3 बार खाना और 2 बार हल्का फुल्का आहार देना चाहिए। फिर 9 महीने और 1 साल की उम्र पर बच्चे की खुराक कैसी बढ़ानी है ये आंगनवाड़ी बहन जी से जान लें। बच्चे को खाना हमेशा अलग कटोरी में देना चाहिए, चम्मच से। इससे पता चलता है कि बच्चे ने पूरा खाना खाया या नहीं। और देखो, अगर मसली हुई पालक वाली दाल या दलिया दे रहे हो तो वो ज्यादा पतला ना हो, कम से कम इतना गाढ़ा हो। हाँ बहन जी, पर कभी कभी तो खाते वक्त ये बहुत बदमाशी करता है, खाने में इतनी देर लगाता है। अच्छा एक बात बता, अगर बच्चे मस्ती नहीं करेंगे तो कौन करेगा, तू? अगर हम बच्चों का मन लगाकर उन्हें खेल खेल में खाना खिलाएं, फिर देखो बच्चे कैसे अच्छे से पूरा खाना खा लेते हैं। महाभारत के संजय की आंखें हैं मेरी, यही बैठे बैठे सब देख लेती हूँ। अब सारी औरतें लग जाएंगी अपने बच्चों को खिला पिला कर तैयार करने में। अच्छा अब तुम मुझे बताओ कि बढ़ते बच्चों के सही विकास के लिए उनके खुराक में बदलाव क्यों जरूरी है? क्योंकि 1-6 महीने के बाद सिर्फ माँ का दूध ही बच्चे के विकास के लिए काफी नहीं होता। 2, सही खुराक ही बच्चे के शरीर की बढ़ती जरूरतों को पूरा करती है। 3, बच्चे के मानसिक विकास के लिए भी सही खुराक बहुत जरूरी है। सही जवाब है, बढ़ते बच्चों के सही विकास के लिए उनकी खुराक में बदलाव इसलिए जरूरी है क्योंकि 6 महीने के बाद सिर्फ माँ का दूध ही बच्चे के विकास के लिए काफी नहीं होता। सही और पौष्टिक खुराक ही बच्चे के शरीर की बढ़ती जरूरतों को पूरा करती है और बच्चे के मानसिक विकास के लिए भी बहुत जरूरी है। सही पोषण हर बढ़ते बच्चे की जरूरत है, उसे नजरअंदाज मत कीजिए। अगर बच्चा सही तरीके से खा रहा है, उसको सही पोषण मिल रहा है, तो इसका अच्छा असर उसके शारीरिक और मानसिक विकास पर पड़ता है। बच्चे को पौष्टिक और वक्त पर सही खुराक मिले तो वो बीमार कम पड़ता है और अच्छी तरह अपना जीवन जी पाता है।